इस गंदम को मुलाहिजा कीजिए, क्या काहिनान माबद को अवाम का खादिम नहीं होना चाहिए? देखिए यह है खिदमत के मानी। यह गंदम कहत के जमाने में कितने लोगों की निजात का सामान करेगी? यह गंदम कितने ही काश्तकारों की मेहनतों का समर है और वो इसके हुसूल के लिए कितनी जहमतों से गुजरे होंगे। यह है दुरुस्त और महफूज जखीरा साजी से लाइल्मी का नतीजा। माबदे आमून के काहिनान बजाय इसके के आवाम की और कहत से निजात की फिक्र में होते, सिर्फ अपने पेटों को भरने और लोगों की मेहनतों को जाया करने में लगे हैं। निफरीन हो कहनाने माबत पर, निफरीन हो कहनाने माबत पर, निफरीन हो कहनाने माबत पर, निफरीन हो कहनाने माबत पर। एक बार फिर जिल्लत रुसवाई। ताबीर ख्वाब वाले किस्से के बाद ये दूसरी बार है कि युजारसी माबद आमून की जिल्लत और रुसवाई का बाइस बना है। आपको मालूम है माबद के गंदम के जखायर पर जो आफत आई है वो माबद पर लोगों के अतकात को किस कदर मुतजलजल कर देगा? ये एक जंग है। अगर युजारसी से भी ये गलती सरजद हुई होती तो हम भी उसे हरगिज माफ नहीं करते। आफरीन, सदा आफरीन, अच्छे नुक्ते की तरफ इशारा किया है। युजारसीफ को भी तो उसी नुकसान का सामना हुआ होगा जो हमें दरपेश है। मैंने अब भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। लोगों से कहें कि अगर माबद को गंदम की जखीरा अंदोजी में नाकामी हुई है तो भला युजारसीफ कैसे कामयाब हो सकता है? अगर माबद के गंदम के जखायर 5 साल की मुदत में खराब हो गए तो 7 साल में तो उनके जखायर को मजीद खराब हो जाना चाहिए। अगर जखीरा साजी गलत साबित हुई है तो फिर युजारसीफ वही गलती क्यों कर रहा है? इस तरह तो युजारसीफ ने जिस तीर से हमारा निशाना लिया है उस तीर से हम उसका निशाना भी ले सकते हैं। अवाम की कसीर तादाद वहाँ जमा हो गई है और माबद की इस नाअहली पर नहायत मुश्तइल है और काहिनों को काश्तकारों और मेहनत कशों की मेहनतों को बर्बाद करने का जिम्मेदार समझ रहे हैं। अगर हम हाइल ना हो जाते तो शायद वो लोग काहिनों पर टूट ही पड़ते। वो तो जाहिर है, अवाम अपनी मेहनतों को युड़ाएगा होते नहीं देख सकती। फिलवक्त गंदम बहुत अहमियत की हामिल है। आप लोग अवाम को माबद आमून के खिलाफ भड़का कर खुश हो रहे हैं। हाँ तो क्यों खुश ना हो, आमून हमारा दुश्मन है। जाहिर है कि दुश्मन की शिकस्त से हमें खुशी ही होगी। 3000 साल से मर्दमे मिस्र आमून की परस्तिश कर रहे हैं। बहुत सो ने चाहा कि आमून को उसके मकाम और मंजिलत से गिरा दें लेकिन कामयाब ना हो सके। तुम भी नहीं हो सकोगे। मोहतरम बानोती, अवाम बहुत मुश्तइल है और माबद की जखीरा अंदोजी पर एतराज कर रही है। और ये भी अर्ज कर दूं कि यही एतराज काहिना ने माबद की जानिब से युजारसीफ की जखीरा साजी पर भी किया जा रहा है। अवाम की जानिब से भी ये सवाल उठाया जा सकता है। मैंने पहले भी ये सवाल युजारसीफ के सामने रखा था। मुझे यकीन है कि वो जो उमूर भी अंजाम देते हैं उसके लिए ठोस जवाब रखते हो। हमें ये देखना होगा कि जनाब युजारसीफ ने दानिस्ता लोगों को गंदम जमा करने का मशवरा क्यों दिया और अब वो लोगों के इन सवालों का क्या जवाब देते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि युजारसीफ कभी कोई गलती नहीं कर सकता। वो अपने हर अमल का जवाब रखता है। ये नामुमकिन है। तो क्या युजारसीफ ने जो गंदम जखीरा की है वो अब तक खराब नहीं हुई है? मालूम नहीं, और मेरे लिए ये बात कोई खास अहमियत नहीं रखती। मैं तो बस ये जानना चाहती हूँ कि युजारसीफ तिप्स आया या नहीं, उसकी कोई खबर नहीं मिली। नहीं बानो, अब तक हमें कोई खबर नहीं मिली। अभी तक तो वो तिप्स वापस नहीं आए बानो। कहीं ऐसा ना हो कि वो तिप्स आए और मैं यूं ही बेखबर रह जाऊं। आप परेशान मत हो बानो, यकीनन वो टिप्स आएंगे तो हमें जरूर खबर हो जाएगी और हम आपको फौरन खबर कर देंगे। यकीन रखिए, हम पर यकीन रखिए बानो, मुतमईन रहिए। मैं युजारसीफ से वालेहाना मोहब्बत करती हूँ, उसे देखने के लिए पल पल गिन रही हूँ।
मुझे उससे मिलना है। तो आप मेम्फिस के सफर का इरादा रखते हैं? अगर जनाब फरमारवा इजाजत फरमाए। हमें जनाब युजारसीफ की बहुत याद आ रही है, उन्हें तिब्स के तमाम अहवाल बताइएगा और हमारा पैगाम दीजिएगा कि फौरन तिब्स वापस आ जाएं। जी हाँ नहायत जरूरी अमर, कहिएगा कि जनाब फरमारवा ने उन्हें याद फरमाया है, लिहाजा फौरन तिब्स वापस आ जाए। इताअत आली जनाब। उन्हें अंदाजा भी नहीं कि हमने उनके लिए क्या साजिश की है।